हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मयंक एजुकेशनल पॉइंट पे। आज का लेक्चर नाउन ही है, नाउन का पार्ट थ्री। जहाँ तक कि मैंने आपको पढ़ा था सेकंड वीडियो में, आपने देखा था ICS वाली ट्रिक बताई थी, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट नोट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। वैन प्रिसीडेड बाय अ पजेसिव एडजेक्टिव द नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, जब पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है नाउन से पहले, तो नाउन का वर्ब अपने साथ क्या लेती है? सिंगुलर वर्ब। जैसे मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, ठीक है, है ना। ऐसा दूसरा देखिए, माँ है, मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। तो इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है? ऑब्वियसली दोनों सही है ना। वो दोनों क्यों सही है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन प्रिसीडेड बाय अ पैसिव एडजेक्टिव द नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैथमेटिक्स है ना अपना, मैथमेटिक्स में देखिए आर नॉट, तो माय मैथमेटिक्स आर नॉट गुड है, तो माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जब कोई नाउन आता है, वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव माय प्लस मैथमेटिक्स, देखिए ऊपर मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, ये क्या है? सिंगल है, इससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, तो वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब आ गई सिंगुलर। ठीक है, ऐसे नीचे देखिए, माय मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, माय प्लस मैथमेटिक्स दो हो गए, दो यानी कि प्लूरल, प्लूरल तो फिर वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, माय मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। ठीक है, अब देखिए दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। हिज केमिस्ट्री आर नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, हिज के साथ केमिस्ट्री प्लस हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री हिज के साथ क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव, तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। आया समझ में? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर थ्री पे, है ना। द फॉलोइंग नाउन आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म ओनली। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म लेते हैं, मैं चलो उनको बता देता हूँ कौन कौन से वर्ड हैं। पीपल, कैटल, कैटल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैटल, इलेक्ट्रोलेट, पोल्ट्री, पुलिस, सीजर। इलेक्ट्रोलेट मतलब मतदाता, पोटी मतलब मुर्गीशाला, पुलिस, सीजर, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, क्रैकर, स्वाइन। स्वाइन एक तरह की मछली। क्लर्जी मतलब कुलीन, जो पादरी होते हैं चर्च के। ठीक है, देखिए है ना, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? प्लूरल, अपने साथ प्लूरल नाउन ले, प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आ रहा है? ये सारे वर्ड्स अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, सारे प्लूरल नाउन, ये सारे नाउन। ठीक है, दैट्स इट, आपको समझ में आया ये पूरा, ये वाला रूल आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पर। कंपाउंड नाउन, आप सभी को पता है कंपाउंड नाउन क्या होता है? नहीं पता? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कंपाउंड नाउन क्या होता है। देखिए कंपाउंड नाउन दो वर्डों से मिलके बना होता है, दो नाउन से। ठीक है, जैसे कि वॉशर प्लस मैन, वॉशरमैन हो गया। ठीक है, दो वर्ड हो गए ना, वॉशर प्लस मैन, है ना। ऐसे ही ये कहा जाता है पोस्ट मैन, पोस्ट प्लस मैन, बस प्लस स्टॉप, पोस्ट प्लस स्टॉप, एयर प्लस फोर्स, एयर फोर्स। ठीक है, हमारा आता है ये तो आप सभी जानते ही हैं, गर्ल प्लस फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉय प्लस फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। देखिए ये आया तो कंपाउंड नाउन समझ में आ गया क्या होता है ना। सिंपल है, दो वर्डों को मिला के जो वर्ड बनता है पूरा, वो कंपाउंड नाउन होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रूल नंबर फोर, एड एस टू द मेन वर्ड इन कंपाउंड नाउन टू मेक इट प्लूरल, है ना, मेक इट प्लूरल। कंपाउंड नाउन में एस लगाना होगा प्लूरल बनाने के लिए, है ना, प्लूरल बनाने के लिए। तो मेन वर्ड जिसमें से मेन वर्ड होगा उसमें एस लगेगा, जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड क्या है? कमांडर, जो लिखने में बड़ा हो। ठीक है, ये ट्रिक बताता हूँ, जो लिखने में बड़ा हो। ट्रिक देखिए, दोज हु आर बिग इन राइटिंग मेक देम एड एस टू प्लूरल। ठीक है, जो दिखने में लिखने में बड़ा हो वो मेन वर्ड होता है। ठीक है, जिसमें हम प्लूरल बनाने के लिए उस वर्ड में
एस लगा देते हैं, जैसे कि फादर्स इन लॉ, ठीक है। तो मेन वर्ड क्या है, फादर लिखने में बड़ा है तो एस लगा दिए, फादर्स इन लॉ, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन में है, एक्सेप्ट मैन और वुमेन, ठीक है। तो मैन और वुमेन की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, है ना। तो अगर मैन और वुमेन लास्ट में आ जाए, है ना, मैन यानी कि पोस्टमैन जैसे कि, तो उसका प्लूरल बनाना हो तो लास्ट में मैन का प्लूरल बनाएंगे मेन, ठीक है, है ना। ऐसी पुलिस मैन, तो पुलिस मैन का प्लूरल बनाएंगे पुलिस मीन, है ना, पुलिस मीन, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ एक और, मैन और वुमेन की, है ना, पुलिस मीन पोस्टमैन, ट्रिक बताता हूँ मैन और वुमेन की, जो सबसे अच्छी वाली है, जो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अगर मैन और वुमेन पहले आता है, ठीक है, पहले आता है, उसके साथ में कोई नाउन होता है, तो मैन और वुमेन पहले आता है, उसके साथ कोई नाउन होता है, तो मैन वुमेन टीचर्स का क्या बना देंगे प्लूरल, वुमेन टीचर्स, यानी कि दोनों का प्लूरल बना देंगे, है ना। मैन टीचर्स, तो मीन टीचर्स, दोनों का प्लूरल बना देंगे, आया समझ में, दोनों का प्लूरल बनेगा इसमें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप सबको इसे समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके बाय।